पीएम मोदी ने कहा आज भारत फूड सरप्लस देश है। पीएम मोदी के इस वीडियो में लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या इसलिए भारत में अधिक भुखमरी है? भारत में हम आज भी सिक्स सीजन्स को ध्यान में रखते हुए सब कुछ प्लान करते हैं। हमारे यहाँ 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन की अपनी खासियत है। भारत में अगर आप कुछ 100 किलोमीटर ट्रेवल करें तो खेती बदल जाती है। मैदानों की खेती अलग है, हिमालय की खेती अलग है, डेजर्ट ड्राई डेजर्ट की खेती अलग है, जहां पानी कम होता है वहां की खेती अलग है और कोस्टल बेल्ट की खेती अलग है। ये जो डायवर्सिटी है यही ग्लोबल फूड की सिक्योरिटी के लिए भारत को उम्मीद की किरण बनाती है। फ्रेंड, पिछली बार जब ICAE की कॉन्फ्रेंस यहां हुई थी तो भारत को उस समय नई नई आजादी मिली थी, वो भारत की फूड सिक्योरिटी को लेकर, भारत की एग्रीकल्चर को लेकर एक चैलेंजिंग टाइम था। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, सुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय था। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है। इसलिए फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन जैसे विषय को डिस्कस करने के लिए भारत के अनुभव बहुमूल्य है। इसका बहुत बड़ा लाभ विशेषकर ग्लोबल साउथ को मिलना तय है। साथियों, विश्व बंधु के तौर पर भारत मानवता के कल्याण को सर्वोपरि रखता है। G20 के दौरान भारत ने वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर का विजन सामने रखा था। हमारी तमाम माहिती थी, अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो S9 न्यूज साथे।